उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में क्यूआई गंभीर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद की हवा जहरीली। उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में क्यूआई गंभीर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ठंड के साथ साथ जहरीली हवा भी लोगों को कर रही परेशान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में क्यूआई गंभीर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद की हवा जहरीली। गाजियाबाद, हरियाणा का अगर एक्यूआई की बात करें तो 299 दर्ज किया गया है। गुरुग्राम का औसतन एक्यूआई लेवल 409, जो कि अति गंभीर श्रेणी में है। दिल्ली में मंगलवार को औसतन एक्यूआई 418 रहा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो है एक बार फिर एक्यूआई लोगों की परेशानी का सबब बन गया है। ठंड के साथ जहरीली हवा भी लोग परेशान कर रही है। उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में एक्यूआई गंभीर श्रेणी में है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद की हवा एक बार फिर हुई जहरीली। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा का औसतन एक्यूआई लेवल 461 दर्ज, यानी 450 के पार। गाजियाबाद का औसतन एक्यूआई 272। हरियाणा के फरीदाबाद का एक्यूआई 299। इस खबर पे हमारे संवाददाता पंकज तिवारी जुड़े हुए हैं। पंकज, एक्यूआई एक बार फिर अति गंभीर श्रेणी में है, जिस तरह से नोएडा 461 दर्ज किया गया एक्यूआई, किस तरह से देखते हैं? जी सीधा बिल्कुल बताना चाहेंगे कि ठंड के साथ साथ जो है कि प्रदूषण का लेवल जो है, एयर इंडेक्स क्वालिटी जो है कि वो काफी खतरनाक स्तर को छू रही है। और बात की जाए नोएडा की, तो यहाँ औसत एक्यूआई का लेवल जो है वो 461 दर्ज किया गया है, जबकि गाजियाबाद में 272, हरियाणा में 299 और गुरुग्राम में जो है कि 409, और उसके साथ साथ दिल्ली में जो है कि 418 रहा है। तो जो स्वास्थ्य विभाग है वो बार बार निर्देश जारी कर रहा है कि ऐसी हवाओं से बचने की कोशिश करें, और जो है कि ये ठंड के साथ एक तरह से स्मॉग की स्थिति, तो ये जब मौसम करवट लेगा उसके बाद ही ये स्थिति सही हो पाएगी। फिलहाल जो स्वास्थ्य विभाग की बुलेटिन जारी है उसके अनुसार लोगों को ऐसी हवाओं से बचना चाहिए, और ज्यादा जरूरत ना हो तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। यानी ये एक तरह से देखा जाए तो ठंड के साथ साथ ये दोहरी मार की दिल्ली NCR की जनता पे पड़ रही है। जी पंकज, अगर बात करी जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में हमेशा ही ठंड के साथ साथ AQI भी खराब श्रेणी में पहुंच जाता है, तो ऐसे में दिल्ली सरकार काफी कदम उठाती है, पराली पर भी रोक लगाई जाती है, अन्य राज्यों में भी, लेकिन उसके बावजूद जो AQI का स्तर है उसको किस तरह से रोका जा सकता है? क्यों सारे इंतजाम नाकाफी रह रहे हैं? बिल्कुल शिखा, बताना चाहेंगे, देखिए राजधानी परिक्षेत्र में जो डेवलपमेंट का वर्क चल रहा है ये कहीं ना कहीं इसके लिए जो है कि ज्यादा जिम्मेदार है, और इसी को लेकर के ये जाता है वहां पे, चूंकि दिल्ली NCR एक तरह से चैम्बर बना हुआ है। जब तक वहां मौसम का बदलाव नहीं होगा, सरकार की तरफ से जो भी कवायदें की जाती हैं वो जनरली बहुत उतनी आबादी के लिए बहुत ही छोटी कवायद होती है। तो जब इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और बरसात की जब स्थिति आएगी तभी जाकर वहां पे थोड़ी सी राहत मिलती है, और हवाओं का जब तेज चलना होगा फिर जाके वहां के एयर इंडेक्स क्वालिटी फिर सही होगी। तो जो अभी मौसम विभाग की जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार, चूंकि आने वाले 2-3 दिनों में जो है कि दिल्ली NCR में छिटपुट जगहों पे बारिश की संभावना जो बताई जा रही है, तो आने वाले वक्त में अगर जो बारिश हुई तो वहां की एयर क्वालिटी सही होगी। फिलहाल अभी खतरे के निशान से ऊपर है और इसके लिए बार बार चेतावनी जारी की जा रही है। नोएडा की बात करी जाए पंकज, तो वहां पे 461 दर्ज किया गया है AQI लेवल, जो कि सबसे खतरनाक श्रेणी में, और जितने भी आंकड़े हमारे पास है सबसे ज्यादा यहीं पे दर्ज किया गया है। क्या वजह है, कौन कौन से राज्यों की वजह से या फिर जिलों की वजह से नोएडा का AQI इतना खराब हो गया है? जी देखिए, नोएडा का AQI खराब होने का मेन कारण है कि ये कंस्ट्रक्शन जोन है और यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि जब कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा तो पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि ठंड का मौसम है, ऐसे में पॉल्यूशन लेवल बढ़ना जाहिर सी बात है। हालांकि जो जिलाधिकारी है उन्होंने तमाम तरह के निर्देश दिए हैं नोएडा के AQI को सही करने के लिए, कि AQI को कैसे, इंडेक्स को कैसे, एयर इंडेक्स को कैसे सही किया जाए, और यहाँ पे जो पब्लिक है उसको शुद्ध हवा मिले, शुद्ध ऑक्सीजन मिले। तो इन सब चीजों को लेकर जो वैज्ञानिक तरीके हैं वो अपनाए जा रहे हैं, और जो है जो कंस्ट्रक्शन जोन है वहां पे भी निर्देश दिया गया है कि कोई भी काम हो रहा है तो वहां सबसे पहले पानी का छिड़काव हो, जो धूल और जो डस्ट उड़ रहा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। तो तमाम कवायदें चल रही हैं, लेकिन अगर इस बीच जो मौसम विभाग के जो चेतावनी आ रही है, बारिश हो जाती है, तो कहीं ना कहीं नोएडा के लोगों को काफी फायदा होगा और अच्छी एयर क्वालिटी उनको मिलेगी।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता पंकज तिवारी जुड़े हुए थे। तो AQI की बात करी जाए तो नोएडा में 461 सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है, गाजियाबाद 272, हरियाणा के फरीदाबाद में AQI 299 दर्ज किया गया है और लगातार ये खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है।